जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइल, सारा क्वेश्चन करेंगे आईटी का, और बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग है कर चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें भी कम से कम 300 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको गलत होने का जो चांस है वो घटता है और स्पीड आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आईटी मेन का क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से। ऑक्सीजन यहाँ पर डाल दिए एचबीआर रिएजेंट ही है एचबीआर और एल्कोहलिक KOH, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या करेंगे इसमें ऑप्शन दीजिए जरा, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है KOH, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन है ये, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दिया हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन करेक्ट है ना, क्वेश्चन जी देख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है, और फर्स्ट में दिया हुआ है क्या HBr, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब HBr पहले पहले इसको देख लेते हैं HBr वाले साथ, HBr जो है यहाँ इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा H प्लस और Br माइनस, ठीक है। और मार्कोपनी को एडिशन क्या बोलता है, मार्कोपनी को बोलता है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड के पास, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पर है क्लोरीन, ये बन गया, ये डबल बॉन्ड हटेगा यहाँ से, ब्रोमीन आएगा तो यहाँ से वो हट जाएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन कर देंगे, जैसे सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है, सेकंड में ये दिया हुआ है एज अल्कोहलिक KOH, यहाँ से HBr निकालेंगे और HCl निकालेंगे, ठीक है। तो HBr और HCl निकालने का तरीका क्या है, HBr और HCl हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, निकालने का तरीका देखिए आप लोग, यहाँ पर इसको हम लोग ले आते हैं, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन, अच्छा देखते हैं यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड, अगर यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से हटाते हैं तो क्या होगा, देख लें ऐसे बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा और एक तो यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बना, आप क्या करेंगे, ये सेल को ऑटोमराइज करेंगे, सेल टोटोमराइज का कंडीशन हम ये बता दे रहे हैं, सेल टोटोमराइज ऐसे होता है, ऐसे दिया हुआ है ये और ये ऐसे, यहाँ तो क्या दिया हुआ हाइड्रोजन है, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो उसके साथ ये बना जाएगा, ये तो अपने जगह पर है, ये भी अपने जगह पर है, ये OH है और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें से चेक कीजिए आपको पता चल रहा है ये और ऑप्शन करेक्ट। सेल्फ ऑटोमराइज क्या होता है पता है, सेल्फ ऑटोमराइज के बाद ये इस तरह से बन जाए, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। सेल्फ ऑटोमराइज क्यों किया, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए,
लोग जितना भी है सब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, आपके बोल रहे हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कि फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए अप्लाई कर रहा है, इसलिए आईआईटी और नीट क्रैक करना चाह रहा है। तो सेल्फ एटमराइज करने के लिए अभी ये स्टेबल नहीं है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेल्फ एटमराइज करता है। सेल्फ एटमराइज का कंडीशन तरीका बता दिए कैसे सेल्फ एटमराइज होता है और ये एलिमिनेट करके कैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, कुछ नहीं करना है, फिर से आप देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर एजेंट एच बी आर है, एच बी आर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ये अटैक किया यहाँ तो ये बन गया, फिर उसके बाद क्या होता है सेकेंड में अल्कोहलिक केवेज है, अल्कोहलिक केवेज जब यहाँ पर दिए तो ये बना दिया, यहाँ पर अल्कोहलिक केवेज के बाद इस तरह से एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर ऐसे हुआ है क्योंकि एच बी आर एच सी एल वहाँ से निकालना था, एच बी आर एच सी एल हटाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने के बाद सेल्फ एटमराइज कर दिया, सेल्फ एटमराइज करने के बाद मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम, आईटी एग्जाम नीट एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हो गया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सेल्फ एटमराइज होता है, एटमराइज का यही कारण है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी का एक और क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आईटी मेन का, ये आईटी एडवांस का है, डोमेन फर्स्ट में दिया हुआ है पोटेशियम थर्ड ब्यूटोक्साइड, इसको पोटेशियम थर्ड ब्यूटोक्साइड बोलते हैं, पहचानने का तरीका है। सेकंड में दिया हुआ है ये ओजोनोलिसिस हो रहा है इसका, इसका ओजोनोलिसिस हो रहा है, ऑप्शन भी लिख दे रहा है आपके सामने। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ है। आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस से पूछा था ये क्वेश्चन, 2019 में था, ठीक है। अब आपको पहचानना है क्या करना है, इसमें प्लान का क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान रखना है, ये इसका मतलब जो रिएजेंट दिया हुआ है इसके बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं, पहले ये जो दिया हुआ है पोटेशियम थर्ड ब्यूटोक्साइड बोलते हैं, ऐसे लिख दी, इसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O माइनस और K प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और तरीके से अच्छा से लिखना है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये यहाँ जो OH है ना वो एसिड वाला OH, ठीक है, एसिड वाला OH, एसिड वाला OH, और ये क्या है बेस है, तो एसिड और बेस मिला के क्या करेगा, एसिड और बेस मिलके क्या करेगा, मिलने के बाद रिएक्ट करने के बाद, एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद ये वाटर रिमूव करेगा, वाटर निकालेगा और सॉल्ट बना देगा, ठीक है। यहाँ पर ये फिर क्या करेंगे, अल्कोहलिक केवज, अल्कोहलिक केवज क्या होता है, ये तो बेस होता है, इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब करेगा किसको, एसिड को, मतलब निकालेगा इसको एच बी आर, इसका मतलब रिमूव हो गया। तो ये जो रिएजेंट जो दिया हुआ है ये इस तरह से ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी सब ऐसे ही सब ऐसे ही, ठीक है, सबको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का तरीका ये। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम साइड से बता दिए थे आपको, इसको साइड से बता दिया गया है आपको, इसको नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, काम आ जाएगा, क्योंकि ये जो है तरीका अलग अलग है लेकिन सबका मीनिंग है कि यहाँ पर ध्यान ये रखना है
कि ये जो OH है ये OH एसिड वाला OH है, ठीक है, ये एसिड वाला OH है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो वाटर रिमूव होगा, वाटर निकलेगा और सॉल्ट बना देगा। यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं, ये तो साइड से बता दिए। क्वेश्चन ये करना क्या है, इसको क्वेश्चन कौन यहां पर फिर से लिख रहा है, ब्रोमीन और दिया हुआ है फर्स्ट में पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो क्या किया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड अभी हम बताए थे कि यहां से HBr रिमूव करेंगे, HBr रिमूव करेंगे। तो HBr रिमूव करने का तरीका देख लो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड है। अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से लेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ से रिमूव करते हैं, कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, पहले से यहाँ तो था ही, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ से करेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ से करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ तो प्रोडक्ट था ही। तो फायदा कौन सा होगा, इसको हम लोग लेंगे, इसको लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा जितना उतना अच्छा है, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाए, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसको हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा, फिर देखो लो सिग्मा डबल सिंगल बोल रहा है, सिंगल डबल सिंगल 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 आ गया, मतलब इसकी तरह रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन दोनों जगह से हो रहा था, एलिमिनेशन बोल रहे हो सर आप यहाँ से क्यों नहीं किए, यहाँ से नहीं करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो रेजोनेंस अच्छा शो होगा, रेजोनेंस अच्छा शो होगा तो मोस्ट एक्सेप्टेबल होगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और मेजर प्रोडक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे आगे, क्योंकि आगे ये बोल रहा है ओजोनोलिसिस करवाने के लिए, ओजोनोलिसिस भी तो करवाना है ना उसी का, तो ओजोनोलिसिस अगर हम इसका ऐसे करवाते हैं, देखो ओजोनोलिसिस करवाने के लिए बोल रहा है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन देना होगा, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन देना होगा, इसका मैकेनिज्म समझा देते हैं पहले, ओजोनोलिसिस क्या होता है इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर ओजोनोलिसिस, ये इसका मैकेनिज्म, ओजोनोलिसिस कराने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन दे देंगे, फिर यहाँ ऑक्सीजन दे देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर चल जाएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा, ये मैकेनिज्म ओजोनोलिसिस का, ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म साइड से बता दिए, फिर मैकेनिज्म ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के लिए ऐसा किया गया, ओजोनोलिसिस हम क्या कर रहे हैं इसका, देखो ध्यान से फिर से सुन लेना है, यहाँ पर ये जो है इसका पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, HBr को रिमूव करना था, यहाँ पर HBr को रिमूव करना है, क्या करेंगे, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जब यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, तो रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मोस्ट स्टेबल होगा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, और जब इसको लेंगे तो इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, सी एच है, यहाँ सी एच टू है, यहाँ पे सी एच टू है, यहाँ पे सी एच टू है, यहाँ सी एच है, यहाँ पे सी एच, ठीक है, तो देखो यहाँ से बन गया है सी एच ओ और सी एच ओ बन गया, फिर यहाँ देखो एक दो, एक दो, ठीक है, अब ध्यान दो ऐसे दो कार्बन, फिर यहाँ सी एच ओ लगा दो, फिर यहाँ पे सी एच ओ लगा दो, बन गया, ये साफ दिख रहा है, यहाँ से चल गया ये तो बन रहा था, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट, क्या किए, कुछ नहीं किए, एडवांस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही लेकिन बहुत थोड़ा अलग होता है बोर्ड एग्जाम से, पैटर्न से तो हाई लेवल का ही होता है। क्या किया गया, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसको लिखने का बहुत सारा भी बता दिए थे, जहां पे भी देखेंगे वैसे ही लिखा रहेगा, मतलब तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग सबका एक ही है, यहाँ से हटाए, यहाँ पर यहाँ से देख लो,
यहाँ इसको रिमूव किया यहाँ से, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ हटाया यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हम इसको क्यों कंसिडर किए, इसको हम लोग कंसिडर किए हैं, इसको कंसिडर नहीं किए, इसको कंसिडर इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ रेजिडेंस हो रहा था, मोस्ट एक्सेबल हो जाएगा, रेजिडेंस के कारण मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रेजिडेंस नहीं हो रहा है तो ये मोस्ट एक्सेबल नहीं होगा और इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, फिर इसको हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा था, सेकंड रीजन ये बोल रहा था कि इसका ओजन लिसेस करवाइए, जब इसका ओजन लिसेस करवाएंगे, ओजन लिसेस करवाने के बाद ये होगा, हम समझा दिए डायरेक्ट बता दिए ठीक है, ओजन लिसेस करवाएंगे यहाँ उसे लगा दिए, यहाँ उसे लगा दिया, ये इस तरह से ब्रेक हो गया, प्रोसेस ये है, मैकेनिज्म इसका ये है, ओजन लिसेस कराने का मैकेनिज्म ये है कि अगर ये होता है ओजन लिसेस करवाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन लगाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आधा निकलेगा, इधर आधा निकलेगा, दोनों इस तरह से बन जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे हट गया है, देखो देखो इधर कह दिया, इधर ठीक है, नोट कीजिए, कहीं कुछ डाउट है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेजोनेंस अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, आईटी का बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आईटी का ही है ठीक है, मिटा ये क्वेश्चन थे आईटी का, आईटी मेन का ये क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है C6H5 फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग ठीक है, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, और यहाँ पे इस तरह दिया ब्रोमीन है और इस तरह से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत इजी है, यह हाइड्रोजन ठीक है, और ये दिया हुआ टर्ट बिट ऑक्साइड, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है ठीक है, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे ऑप्शन, अब देख लीजिए डॉट का मतलब समझ में आ रहा है ना, डॉट का मतलब प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर होता है ठीक है, और इसका मतलब प्लेन के बाहर ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन जो है ना HBr वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन जो है वो HBr वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ हाइड्रोजन क्योंकि ये फिनाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी जो है ना, अगर हम इसको अगर लिखें ऐसे, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दो, ये हाइड्रोजन HBr वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखना है, और यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि ये फिनाइल, ये फिनाइल है, फिनाइल, फिनाइल बोलते हैं इसको, फिनाइल बोलते हैं, अब क्या करेगा इसको, ये देखो ये यहां से इसको लेके जाए, एलिमिनेट कर दिया इसको, यहां से इसको लेके जाए ठीक है, और यहां से लेके जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है देखो, ये बन जाए फाइनल प्रोडक्ट है ये, इसको ये है फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म में हम इसको लिख के दिखाते हैं ठीक है,
ये ट्रांस है, मोस्ट अच्छा ट्रांस वाला तो मोस्ट स्टेबल होता है, ये सबको पता है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट अब जो आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट, ये कहीं किसी कुछ डाउट है तो बता देना। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो एक्सबीआर वाला हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि ये फिनाइल है। तो ये रहा, एक दो तीन चार हो गए, देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये आईआईटी पैटर्न का क्वेश्चन बहुत अलग होता है, लोगों को लगता है कि स्कूल वाला तैयारी कर लेंगे तो आईआईटी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर आपको अलग ढंग से पढ़ाई करना होगा, कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत करना होगा।